नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम गेहूं किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। क्या तापमान बढ़ने से गेहूं की पैदावार पर पड़ेगा असर? IARI के वैज्ञानिकों ने दिया जवाब। रिपोर्ट बताएं, उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गेहूं की पैदावार पर बढ़ते तापमान के प्रभाव पर चिंता के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है। हालांकि इसने किसानों को सलाह दी है कि मार्च के मध्य में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की स्थिति में हल्की सिंचाई करें। गेहूं एक प्रमुख रबी की फसल है जो अगले महीने कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। मौसम कार्यालय द्वारा देश के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने की भविष्यवाणी के साथ किसान पिछले साल की पुनरावृत्ति न हो इस बात को लेकर बड़े चिंतित दिखाई दे रही है। पिछले साल गर्म लू के कारण फसल की पैदावार बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। IARI के निदेशक AK सिंह ने PTI भाषा में बातचीत में कहा कि भारत मौसम विज्ञान ने अनुमान लगाया है कि मार्च के पहले पखवाड़े तक तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान गेहूं की फसल के लिए चिंता का विषय नहीं है। IARI के कृषि और मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मार्च के मध्य में फसल की परिपक्वता अवस्था के दौरान गर्मी एक प्रमुख चिंता का विषय है। 4 दिनों तक लगातार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने पर ही फसल पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है और फिर अगले दिन नीचे आ जाता है तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि गेहूं के पौधे में इससे निपटने की क्षमता होती है। IARI के प्रधान वैज्ञानिक और गेहूं प्रजनक राजवीर यादव ने कहा कि समय पर और यहाँ तक कि देर से बोई गई गेहूं की फसल की स्थिति अच्छी है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। यदि मार्च के मध्य में तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है तो किसान अपने नियमित खेती के कामकाज को जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को तब कदम उठाना है जब मार्च के मध्य में कहीं 35 डिग्री सेल्सियस पार हो जाए। ऐसे में एहतियात के तौर पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। IARI के प्रधान वैज्ञानिक विनय सहगल ने भी कहा कि किसानों को नजर रखनी चाहिए और हल्की सिंचाई और मध्य दोपहर छिड़काव जैसे आकस्मिक उपायों के साथ तैयार रहना चाहिए। मौसम की जानकारी मिलने के बाद अगले महीने की साफ तस्वीर मिल सकती है। इस बीच एक बयान के अनुसार कृषिल के मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के शोध में कहा है कि यदि मौजूदा उच्च तापमान मार्च में जारी रहता है तो रबी गेहूं की फसल प्रभावित होगी और ज्यादा से ज्यादा पहले के स्तर पर या पिछले साल के कम स्तर से भी मामूली कम रह सकती है। बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ धान की कटाई के बाद समय पर बुआई के कारण पूर्वी हिस्से में अपेक्षाकृत अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। ये थी आज के गेहूं के किसानों के लिए ताजा रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके। धन्यवाद। जय।